हे गाइस, आज मैं आपके साथ किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे चिमनी, माइक्रोवेव, ओवन और एग्जॉस्ट पैन और कुछ बर्तन जिन पर चिकनाई लगी हो, जिन पर पूरी तरह ऑयल जम चुका होता है और पूरी तरह वो चिपचिपाट करते हैं, उनको कैसे साफ़ किया जाए, आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। किचन में हर चीज़ों पर ऑयल का असर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिमनी पर होता है, वो भी उसके नीचे वाले पार्ट पर ऑयल का असर होता है। वहाँ पर तो ऑयल ऐसे हो जाता है कि जैसे ऑयल गिरने लगा है। तो आप देख सकते हैं मेरी चिमनी की कंडीशन कितनी गंदी हो रखी है, कितनी चिपचिपाट कर रही है, क्योंकि जहाँ पर ही डायरेक्ट जो भी हम खाना बनाते हैं ऑयल उससे उठता है, कुछ भी खाने के छींटे पड़ते हैं तो वो डायरेक्ट ऊपर पड़ते हैं, तो इसीलिए ये सबसे गंदी कंडीशन हो जाती है। तो हम लाख कोशिश करें वो इतनी साफ़ नहीं हो पाती। मैं जहाँ के काफ़ी लिक्विड भी यूज़ कर चुकी हूँ इसको प्रॉपर साफ़ करने के लिए, लेकिन मेरी हेल्प नहीं हुई। ऊपर वाला पार्ट तो हम फुल साफ़ कर लेते हैं, उस पर इतनी चिकनाई नहीं होती, तो लेकिन नीचे वाला पार्ट बहुत मुश्किल हो जाता है साफ़ करने के लिए। तो आज मैं बस आपके साथ उसी को साफ़ करने के लिए ये पेस्ट बना रही हूँ। तो इस पेस्ट के लिए मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया, तो 2 चम्मच अब मैं डिश वॉश लूँगी। मैं प्रिल का डिश वॉश यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं लेकिन लिक्विड हो। तो अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। तो इस पेस्ट के बनने के बाद अब इसके बीच मैं 4 चम्मच वेनेगर यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर। तो आपके पास अगर वेनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब हम इनको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वेनेगर और बेकिंग सोडा का जब वो मिक्स हुआ तो क्या रिएक्शन है इनका। तो अब मेरी पेस्ट बनकर तैयार है, तो मैं एक स्क्रबर लेती हूँ। तो अब इस स्क्रबर की हेल्प से मैं जो चिमनी की जहाँ जहाँ पर गंदापन है वह सारे पर मैं इस पेस्ट को अप्लाई कर देती हूँ। तो अप्लाई करते ही साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रबर को स्क्रब कर लूँगी जहाँ पर। तो हमें ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पेस्ट के साथ नॉर्मली ये निकल जाएगा। तो फिर भी आपको अगर ज़रूरत लगे कि बहुत ज़्यादा फैटी ऐसा नहीं होगा तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रब भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, 10 मिनट के बाद इसे साफ़ करेंगे। तो अब थोड़ा सा मैंने स्क्रबर को रब कर लिया था, तो उसके बाद अब मैं ऐसे छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो अब मैं ऊपर से इसका फ़िल्टर को उतारती हूँ, क्योंकि फ़िल्टर जहाँ पर साफ़ नहीं होगा वो बहुत गंदा है, नीचे ही करना पड़ेगा साफ़। तो आप देख सकते हैं फ़िल्टर की क्या कंडीशन है, देखिए कितना गंदा, कितना ऑयली दिख रहा है, कितना चिपचिपाट हो रहा है। अब मैं इस पेस्ट को अप्लाई कर देती हूँ फ़िल्टर के ऊपर, सारे फ़िल्टर पर हम इसको अप्लाई कर देंगे, सारी साइड्स पर जहाँ जहाँ भी फैट है। तो इस फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए मैं इस पर पहले काफ़ी बार उबलते हुए पानी को, फुल उबलते हुए पानी को इसके ऊपर डाल चुकी हूँ कि ये साफ़ हो जाए, फ़िल्टर के बीच जो भी ऑयल वगैरह है वो निकल जाए, लेकिन कभी इतना प्रॉपर साफ़ नहीं हो पाया। तो अब हम इस पर भी पेस्ट को अप्लाई करने के बाद इसको भी 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद इसे साफ़ करेंगे। तो अब इधर मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब एक कपड़े की हेल्प से चिमनी को कॉटन के कपड़े से चिमनी को साफ़ करती हूँ। सारे आगे पीछे जहाँ जहाँ मैंने पेस्ट को अप्लाई किया हुआ है वहाँ वहाँ मैं अब साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह कॉटन के कपड़े से। तो आपको दिख पा ही रहा होगा कि अब कैसी कंडीशन हो गई है चिमनी की, पहले कैसी थी चिमनी तो अब कितनी साफ़ हो चुकी है। हम अच्छी तरह आगे पीछे सारे से साफ़ कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया होता। तो जहाँ अब फ़िल्टर को भी 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, पहले स्क्रबर के साथ करती हूँ। तो अब इसके ऊपर पानी डाल के इसको धो देती हूँ अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर कितना गंदा पानी शो हो रहा है, कितना गंदा पानी निकल रहा है, जो ये गंदा पानी है सारा ऑयल निकल रहा है इसके बीच से। तो आप देखिए फ़िल्टर कितना साफ़ हो चुका है, कितना चेंज हो चुका है पहले से, कितनी सफाई हो चुकी है। यकीन मानिए मैं काफ़ी बार इस पर उबलते पानी को भी डाला है, इसको पानी में भिगो कर रखा है कि साफ़ हो जाए, लेकिन इतना कभी भी
ये साफ़ नहीं हुआ जितना आज साफ़ हुआ है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि एक फ़िल्टर साफ़ है और एक नहीं साफ़, तो कितना फ़र्क है उसका, आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा जहाँ पर। तो जहाँ पर आप चिमनी की भी देख सकते हैं, जहाँ पर पहले कैसे चिपचिपाहट थी, अब कैसे वो साफ़ तो हुई हुई है चिमनी, उसके साथ वो शाइन भी करने लगी है। तो ऐसे जे जे लिक्विड हमने बनाया है वो साफ़ तो करेगा ही, साथ में जो स्टील वाली चीज़ें हैं उन पर शाइन भी वो देता है। तो ऐसे दोनों अब फिल्टर साफ़ होने के बाद मेरी चिमनी की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ अपना ओवन साफ़ करके दिखाऊंगी। आप देखिए सामने ओवन की पहले क्या कंडीशन है। अब मैं सारे पर अप्लाई कर देती हूँ, ओवन जहाँ जहाँ पर स्टील है उस पर मैं वो पेस्ट अप्लाई कर देती हूँ। आप भी ऐसे किचन में जो भी आपकी स्टील की चीज़ें हैं जिन पर ऐसे चिपचिपाहट हो उनको आप साफ़ कर सकते हैं। कोई भी स्टील की चीज़ें, ज़रूरी नहीं चिपचिपाहट, उन पर हाथ भी लगे के निशान हो वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाते। तो अब मैंने इसको नहीं रखा क्योंकि ये कोई गंदा नहीं था ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही इसको कॉटन के कपड़े के साथ साफ़ कर रही हूँ। उसी सेम टाइम जब मैंने वो पेस्ट लगाई तो साथ में ही मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया। तो अब मैं साफ़ कपड़े के साथ इसको फिर से ऊपर से साफ़ करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि साफ़ होने के बाद इस पर कितनी शाइन आ चुकी है, कैसा न्यू सा लगना शुरू हो गया मेरा ओवन जहाँ जहाँ पर स्टील है। तो आप भी ऐसे इसको ट्राई कीजिए, आपकी किचन में जो भी कोई स्टील की चीज़ें हैं जिन पर कोई हाथ वगैरह भी लगी हो तो उनको भी साफ़ करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।